सभी कोटेदार भाइयों को नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, कल हमने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में हमने बताया था कि भेयर प्राइस एसोसिएशन के महामंत्री श्री गौरव लाभ जी ने खाद मंत्री के तमाम करीबी लोगों से बात करते हुए ये बताया कि उन्होंने आधे घंटे तक बात करते हुए ये डिसाइड किया कि उन्होंने कहा कि खाद्य मंत्री यानी कि खाद्य मंत्री के करीबियों ने कहा कि आप लोगों की कमीशन में बढ़ोतरी होगी, लेकिन श्री गौरव लाभ जी ने कहा कि साहब हमको कमीशन नहीं चाहिए, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ मानदेय चाहिए। अगर आप लोग मानदेय दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करने का आप लोग काम करें और सरकार से यही गुहार लगाएं। तो दोस्तों, तमाम ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने हमारे वीडियो पर कमेंट किया। दोस्तों, बरसक आप लोगों को ये पता है कि हमारी जो वीडियो होती है वो वॉइस ओवर की वीडियो होती है, इसमें हम फोटो लगाकर तमाम वीडियो प्रोवाइड करते हैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों से मैंने बार बार कहा कि हम हमेशा वॉइस ओवर की वीडियो बनाते हैं और वो वॉइस ओवर की वीडियो आप लोगों के लिए 100% सत्य होती है और आगे मैं हमेशा जेन्युइन वीडियो और सही खबर आप लोगों के लिए शेयर करता रहूँगा जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी। तो आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इकलौता एक भारत में एक ऐसा चैनल है जो और आप लोगों की समस्याओं को तमाम उन लोगों के पास पहुंचाता है जो लोग आप लोगों के संघर्ष और आप लोगों के लड़ाई से बेखबर हैं, और मैं हमेशा इसी तरह से वीडियो अपलोड करता रहूँगा। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं कि उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा हो रही है, कभी ना कभी इस पर हम लोगों को निगेटिव ना सोच करके पॉजिटिव सोच करके इस पर हम लोगों को एक ऐसी न्यूज मिलेगी, इस पर आप लोगों को थोड़ी सी वेट करना होगा। जैसे ही इस पर वेट न्यूज आती है कि हम तमाम कोटेदारों को सरकारी सेवक का दर्जा प्राप्त हो गया, तो इस पर हम धमाकेदार वीडियो के साथ प्रस्तुति करेंगे और आप लोगों को उत्साहित करने का काम करेंगे। तो दोस्तों, मेरे साफ साफ कहने का मतलब ये है कि हमारे वीडियो पे आप लोग निगेटिव कमेंट ना करें, क्योंकि मैं कभी गलत वीडियो नहीं बनाता हूं और ना मैं गलत हूं।